हमारे पास फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है ऑटोक्वाइट्स। तो ऑटोक्वाइट्स होती क्या हैं? तो ये कुछ ऐसी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होती हैं जो कि सेल से पैदा होती हैं और अपने पे ही काम करती हैं। इसका मतलब ये एक्ट लोकली करती हैं, जैसे कि लोकल हार्मोन्स काम करते हैं। इन क्या डिफरेंस है लोकल हार्मोन इसमें? तो लोकल हार्मोन्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेल से पैदा होती हैं, उसके बाद वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहीं दूर जाके फंक्शन करती हैं। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये किसी भी सेल से पैदा हो सकती है, ठीक है, और वो अपने ऊपर काम करती है, और ये फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन में पैदा होती हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ये तीन टाइप की मिलनी होती हैं। वन इज़ द बायोजेनिक एमीन्स, सेकंड इज़ द फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड, एंड थर्ड इज़ पेप्टाइड्स। बायोजेनिक एमीन्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन को 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड जो होती हैं उसमें मोस्ट एग्जांपल जो एग्जांपल्स दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिंस, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आती हैं। पेप्टाइड्स में एग्जांपल देखें तो इसमें एंजियोटेंसिन आती है, ब्रेडिकाइन आती है और कुछ अदर एग्जांपल भी आती हैं ऑटोक्वाइट्स में। फॉर एग्जांपल टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर आती हैं अल्फा, और वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स भी इसके एग्जांपल में आती है। तो ये हमारा ऑटोक्वाइट्स था, उसके एग्जांपल से। थैंक यू। ओ